Hello all dear friends, welcome back to another vlog. I hope you are light and doing well. आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तो प्लीज़ करते ही रहना, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ एक्सरसाइज एक ऐसा जरिया है जो हमको इस लकवे से और इस वीकनेस से हमको निकाल सकता है। जैसे कि आप देख सकते, मैं पहले मतलब अपना 2 साल पहले का दिन समझता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, तो उस दिन से इस दिन का सफ़र तक जो मैंने हार्ड एक्सरसाइज की उसी का ये मतलब फल है। तो प्लीज़ एक्सरसाइज ही एक ऐसा जरिया है जो हमको इस कमज़ोरी से निकाल सकते हैं, तो प्लीज़ एक्सरसाइज करते रहिए। और अब क्या ही बोलूँ, और एक और बात बोलना चाहता हूँ, तो मैं हफ्ते में 1 वीक में 3 डेज मैं थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज करता हूँ अपने लेग्स और हैंड के लिए। तो आज शेड्यूल है हार्ड एक्सरसाइज का, तो क्यों ना हार्ड एक्सरसाइज भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आप लोगों से मैं कितने भी मतलब कितने लोग ऐसे होंगे जो पेशी में होंगे और कितने लोग होंगे मुझ जैसे होंगे, कितने लोग मुझसे बेहतर भी कर रहे होंगे, तो सभी के लिए है। मतलब एक्सरसाइज तो करना ही है। और एक बात और, जैसे ये मत सोच लेना कि एक्सरसाइज मेरे लिए नहीं है, ये तो हार्ड एक्सरसाइज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, थोड़ी परेशानी होगी, जैसे स्टार्टिंग में मेरा हुआ था, मैंने कर नहीं पा रहा था। तो ग्रेजुअली आप लगे रहेंगे तो धीरे धीरे होगा। इसको लिए इसके लिए आपको रेगुलेटरी का ज़रूरत, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करना है। देखिए कभी कभी जान फिसल जाते, इसमें बुरा मत मानिएगा। आई होप आप मेरे भावनाओं को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा बात नहीं करेंगे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट। इस बेंच में हम करेंगे थोड़ा अपना कोर का एक्सरसाइज। दोस्तों ये है 2 केजी का डिक्स, 4 केजी, 3 केजी का डॉट, कुल मिला के 7 केजी हुआ। कोशिश करते हैं इसको उठाने का। ये तो मैं इजी से उठा सक रहा हूँ। जब मैंने वेट उठाने का स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में रड उठा सकता था, रड भी उठा नहीं सकता था, मतलब हाथ पूरा ऐसे कंपन हो गए ऐसे उठा था। तो करते करते आज ये 7-8 केजी मेरे लिए थोड़ा इजी लग रहा है, तो इसको और वेट बढ़ा के करेंगे नेक्स्ट टाइम से। अपने आप को पूरा समर्पण भाव से एक्सरसाइज कीजिए, ऐसा नहीं कि उसमें कोई मनोदशा ऐसा न रखिए कि होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक पॉजिटिव भाव बनाइए और पूरा अपने आप को समर्पण कर दीजिए उस एक्सरसाइज में। उसको मतलब बोलते हैं ना, उसको एकदम मतलब होम दो, उसको लग जाओ, ज़रूर प्रोग्रेस होगा और रिकवरी भी होगी, आप धीरे धीरे नॉर्मल होते जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ।
एक एक्सरसाइज है आप सबको करना चाहिए, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। ये हमारे एंकल्स के लिए बहुत ही बेनिफिट और बैलेंस बनाने के लिए है। हम अपना इफेक्टेड पैर को पीछे करेंगे, इफेक्टेड पैर को पीछे रखेंगे और कुछ कंफर्टेबल तरीके से अपना पैर में डिस्टेंस बना दें और बैलेंस बना के, अगर आपके पास कुछ वेट हो पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिना वेट के भी आप ऐसे नीचे जाएं, ऊपर उठें। कोशिश करें कि अपना नी से बेंड हो और नी से ही उठे, ऐसे शरीर को ऐसे नहीं करना है शक भर, लेकिन होता ज़रूर है, इसको स्टार्टिंग में कंट्रोल तो नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो अपने नी से नीचे जाएंगे, नीचे उठेंगे, लेकिन अपन कमर से हम अपना शरीर को नीचे की तरफ नहीं करेंगे, कोशिश करना है। बाकी तो भैया होगा ही, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन इसमें अपना इफेक्टेड पैर को पीछे करना है। तो आप इसे कंफर्टेबल तरीके से धीरे धीरे इस आज को करेंगे। काउंट ही नहीं किया कितना हुआ। तो इसी तरह अभी 10-10 बार का 30 रिपीटेशन लगाएं अपना स्ट्रेंथ अनुसार। मैं तो इसको 10 टाइम्स का 30 रिपीटेशन लगाता हूँ। अब हम डंबल के साथ अपना हैंड के एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपका इल्बो, रिस्ट, फोर आर्म और शोल्डर जॉइंट्स सबका एक्सरसाइज, पूरा हैंड का एक्सरसाइज होता है। तो प्लीज़ यदि आप कर पाते हैं, नहीं कर पाते तो भी कोशिश करिएगा, कर पाते तो ज़रूर कीजिए और जम के कीजिए। जैसे अभी देख रहे हैं मेरा ये भी हैंड, मतलब ये डिफिटेड हैंड, खुद से नहीं पकड़ पाता, इसको सपोर्ट करना पड़ता है अपने सही वाले हैंड से। तो हम डबलिंग शुरू करेंगे। स्टार्ट में तो मेरा हाथ ऐसे उठ रहा था, पहले कोशिश किया तो ऐसे उठाना तो ऐसे, तो देखिए अब सीधा होने लगा है धीरे धीरे, और यहाँ से नीचे ही नहीं जाता, नीचे जाता तो ऐसे ऐसे, ये नीचे मतलब ये पीछे की तरफ जाता, लेकिन ये नीचे ऐसे नहीं जाता था, लेकिन देखिए करते करते आज इस स्टेज में पहुँच चुका हूँ। तो प्लीज़ मैं यही रिकमेंड करूँगा कि मेहनत करते रहिए, हार्ड एक्सरसाइज करिए, हाँ इतना करिए कि आपका पेन ना हो, दर्द ना हो और आपको अच्छा लगे, उसके हिसाब से आप करते रहिए। कोशिश करेंगे ऐसे भी उठाना है और ऐसे भी उठाना है और ऐसे भी उठाना है।
लेकिन मेरा इसे नहीं बता दिया क्या है, झूठ बोलो। ऐसे तो मतलब धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन बहुत वीकनेस है भैया। ऐसा लग रहा है कि इतना पहाड़ उठा रहा हूँ। इतना ताकत लगाना पड़ रही है 1 किलो उठाने में। क्या ही बोलूं, इतना पावर लगाना पड़ रहा है, इतना पावर लगाना पड़ रहा है कि लग रहा है कि अकेला पूरा पहाड़ उठा रहा हूँ 1 केजी में। अभी बहुत वीकनेस है, दिखने में ऐसा लगता है कि हाँ भैया बंद कर ले रहा है, लेकिन नहीं, इस भूल में मत पड़ियो, अभी भी बहुत वीकनेस है, इस हाथ में जान नहीं है, लेकिन हाँ हिम्मत नहीं हारना है। ऐसा बोल बोल के अपने को जाने नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं करें, हिम्मत नहीं आना, करते रहना है। और हाँ, करते रहेंगे, करके ही छोड़ेंगे। यह 4 केजी का डंबल, तो इसको भी ट्राई करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं किया है, जिस दिन मैं अपना मतलब अनुभव शेयर करता हूँ, जिस दिन मैं थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज करता हूँ ना, जैसे डंबल किया, वेट उठाया, तो उस दिन मुझे थोड़ा ऐसा फील होता है कि हैवी लेग, जैसे हैवी आर्म्स होते हैं, हैवी हाथ उठाने में कुछ हैवी लगता है, तो हैवी एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़ा मुझे हल्का फील होता है। और आप लोगों को ऐसा फील होता कि नहीं होता है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा।
इसके कंधे के पीछे से उठाएंगे, कोशिश करेंगे। मुझे मालूम है ये वीडियो देख के ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि ये कैसे वीडियो बनाया है, तो मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसे मत सोचिएगा, आप सोचिएगा कि जब वो बंदा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। आप अपने आप से प्रश्न कीजिएगा और इसी मोटिव के साथ एक्सरसाइज कीजिएगा। एक आप में चिड़ापन भी होना चाहिए, जब वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकूंगा, ऐसा एक भावना होना चाहिए। तुलना की करने के लिए आप अपने, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने नीचे से तुलना नहीं करना चाहिए। यदि आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपने जो बड़ा है, जो अच्छा कर रहे हैं, उससे तुलना करना चाहिए। तो आप यही सोचिएगा कि जो ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, मैं भी कर पाऊँगा। बस इसी थॉट के साथ, आप इसी मोटिव के साथ अपना एक्सरसाइज करते रहिएगा। और यही कहना चाहूँगा, आपको इस वीडियो कैसा लगा कमेंट के ज़रिए प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी लगा हो तो एक लाइक अथवा गुड जॉब कुछ भी लिख के प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आशा करता हूँ आपका दिन सुखद रहे, मस्त रहे, स्वास्थ्य करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें और भगवान गॉड अल्लाह जो भी है आपका हमेशा साथ रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।